नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर्स एंड ट्रेंड पैरामेडिकल स्टाफ, 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज, नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। बिहार विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से हार के बाद भी चिराग पासवान काफी खुश हैं। चिराग ने कहा कि LJP के प्रत्याशी कई जगहों पर दूसरे नंबर पर थे, हम कई जगहों पर 2-3 हजार वोटों से हारे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि हम मजबूत हुए हैं और 2025 में पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। हम जिन परिस्थितियों में चुनाव लड़ेंगे हर कोई जानता है। 7 अक्टूबर को मुझे पता चला कि JDU किन सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पापा 8 अक्टूबर को गुजर गए। हम रणनीति बेहद कम समय में बनाया, फिर भी हम अच्छा प्रदर्शन किए, हमारी नींव मजबूत हुई है। चिराग पासवान ने कहा कि LJP को करीब 25 लाख वोट मिला है। कई गठबंधन में 4-4 पार्टियां थी, लेकिन LJP अपने दम पर चुनाव में थी। अपने लक्ष्य के लिए वह लड़ते रहेंगे। बिहार की जनता को मान सम्मान देने के लिए वह बिहार की जनता को बधाई देते हैं। चुनाव में कोशिश था कि अधिक से अधिक सीटें जीते। हम चाहते थे कि BJP और LJP के साथ सरकार बने। आप सब जान रहे थे कि बिहार में विधानसभा के चुनाव चल रहे थे और जिस तरीके से कल नतीजे सामने आए हैं, जिस तरीके से कल परिणाम सामने आए हैं, एक बात उन परिणामों ने स्पष्ट कर दी है कि बिहार की जनता ने बहुत ही डिसाइसिव एक क्लियर मैंडेट हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को दिया। जनता ने इस बात को स्पष्ट तौर से समझा कि बिहार में अगर विकास संभव है तो उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सोच का होना बहुत जरूरी है। लोक जनशक्ति पार्टी भी निरंतरता में शुरू से लेकर चुनाव के अंत अंत तक इसी बात को मैं कहता रहा कि जरूरी है बिहार में भारतीय जनता पार्टी का मजबूत होना, ताकि आने वाले दिनों में जो जिस तरीके से बिहार को हम लोग विकसित देखना चाहते हैं उसके लिए प्रधानमंत्री जी की वही सोच बिहार में भी देखने को मिले, मुझे खुशी है। और इसके लिए मैं बधाई दूंगा हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, कि जो बेहतरीन प्रदर्शन भाजपा का रहा उसके वो हकदार भी थे। और इसीलिए मैंने भी बार बार कहा था, मैं चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन बेहतरीन रहे। मुझे खुशी है कि बिहार की जनता ने जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को भी अपना प्यार दिया, अपना समर्थन दिया, लगभग 25 लाख के करीब मतदाताओं ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट पर अपना विश्वास जताया, लगभग 6% के आसपास जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी को मत प्रतिशत मिला और अकेले लड़ने पर मिला, मुझे खुशी है इस बात की। और उसके लिए मैं तमाम अपने पार्टी के कार्यकर्ता, तमाम पार्टी के नेताओं का मैं धन्यवाद करूंगा कि जिस तरीके से अकेले लड़ने की ताकत लोक जनशक्ति पार्टी ने दिखाई। आज तक हम लोग को हमेशा यही कहा जाता था कि भैया कुछ लघु पार्टी है, जब किसी के साथ लगेगी तभी कुछ होगा, पर मुझे खुशी है कि जिस तरीके से पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया, मजबूती से पार्टी ने चुनाव लड़ा और जिस तरीके से मत प्रतिशत लोक जनशक्ति पार्टी को मिला इन चुनाव परिणामों के बाद, इसने पार्टी में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा ये लेकर आया। और हम लोग की सोच भी यही थी, बहुत ज़्यादा पार्टी के पास जिन हाल फिलहाल के वर्षों में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव रहे, पार्टी के पास बहुत ज़्यादा कुछ खोने के लिए था नहीं, पर पाने के लिए अनंत संभावनाएं थी। आज पार्टी का मनोबल जिस तरीके से बढ़ा है, पार्टी के कार्यकर्ताओं में जिस तरीके से जोश आया, उत्साह आया है कि अकेले हम लोग चुनाव लड़कर अगर हम लोग इतना बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं तो मुझे लगता है कि आने वाले 2025 के चुनाव में पार्टी अपनी नई ऊंचाइयों को छूने के लिए उसकी जमीन तैयार कर ली। हम लोग के बारे में कहा जाता था कि भैया चुनाव लड़ते लोगे, कहाँ उम्मीदवार है तुम्हारे पास, कहाँ